Namaskar, everyone. How are you all? I hope you guys are fit and healthy at your place. So, today we are going to continue our chapter 4 soil. Right? So, open your textbook, page number 41, and take your fair notebook, pencil, and all your subject stuff. Okay so before we continue let's have quick revision of our previous video so in previous video we have learnt about how soil is formed yani soil hai? Wo kaise form hoti hai? we have already seen one video and I have told you to see many of videos uh, to understand how soil is formed okay so I hope the concept, इज़ क्लियर बट फिर भी विल रिवाइज सी सॉइल इज़ फॉर्म बाई द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स सॉइल कैसे बनती है ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स द सन्स हीट द रेन एंड द विंड ऑल्सो हेल्प इन द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स और रॉक्स को ब्रेक करने में कौन हेल्प करता है ऑल ऑफ दीज राइट

देट पार्ट्स एंड रिमी सॉरी एनिमल्स ऑल्सो प्ले अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉयल सॉइल की फॉर्मेशन में कौन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट रोल लेता है इट्स प्लांट्स एंड एनिमल्स राइट सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स द सॉइल इज Formed by the breaking down of rocks, it takes thousands of years to form a small amount of soil. Right? If you want amount of soil, it takes thousands of years. Right? Now see, the color of the soil differs from Place to place. If we place from one place to we can see uh, different kind of soil, right? The soil may be light brown in one place and dark brown in another one, right? In India, red soil and black soil are also found. In, in India, we can uh, find out red and black soil as well, right? So, as you can see here, different colors of soil. It is red, black, dark brown, light brown, right? So these are the soil. Now we will continue our next topic what soil contains, right? But before we continue, let's learn some hard words. So you have to write down hard words in your fair notebook, okay? But after uh, 7, you have to write down 8.

खाद से बनी हुई होती है वो मिट्टी जिसे ह्यूमियस बोलेंगे हम राइट नाइंथ वन इज सैंड सैंड यानी रेत क्ले यानी मिट्टी पेबल्स यानी कंकड़ रिमेन्स सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिमेन्स स्मॉल पार्ट्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स छोटे जो पार्ट होते हैं एनिमल्स uh, के मर जाते हैं या फिर छोटे छोटे एनिमल्स है जो सॉइल uh, में रहते हैं राइट right? वो मर जाते हैं इंसेक्ट्स uh, होते हैं और प्लांट्स जो सड़ जाते हैं सॉइल में राइट right? तो ये सारे जो है उसे हम क्या बोलेंगे रिमेंस एंड इट इज़ लाइक खाद है ना तो नेक्स्ट वन इज़ न्यूट्रिएंट्स सो वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व जो हमें चाहिए विटामिन मिनरल्स राइट सारे फिर है फर्टल सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फर्टल इट्स उपजाऊ जिसमें क्रॉप बहुत अच्छे से अच्छे न्यूट्रिएंट्स वाले पैदा हो सके राइट तो उसे बोलते हैं फर्टल सोई फिर है कॉन्सट यानी बना हुआ Done. Now, open your textbook. Page number forty-two. See what soil contains. तो so, soil में क्या क्या होता है See यहाँ पर लिखा हुआ है Soil contains humus, sand, clay and pebbles. Soil में क्या क्या होता है All of these. कौन कौन सी चीज़ें Humus, sand, clay and pebbles. Four things, right?

अब देखो ये ह्यूमियस है वो वरीमेन् से बना है राइट तो उसमें क्या होंगे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे पोषक तत्व होंगे पानी होगा राइट एंड इट मेक्स द सॉयल फर्टल और ये सारे जो पोषक तत्व है वो सॉइल को उपजाऊ बनाते हैं, फर्टल बनाते हैं। अगर उस सॉइल में हम कोई भी क्रॉप उगाए तो वो बहुत ही अच्छे क्वालिटी का उगता है लाइक उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं है ना वो उसे हम आराम से खा सकते हैं अगर कोई भी क्रॉप हमारे खाने लायक है तो हम आराम से खा सकते हैं राइट तो ये यूमियस है इट इज़ द मेन पार्ट इन दी सॉइल इट इज़ यूजली डार्क ब्राउन और ब्लैक ये डार्क ब्राउन ब्राउन भी हो सकता है और ब्लैक भी हो सकता है राइट नाउ सेकेंड पॉइंट इज क्ले कंसिस्ट ऑफ वेरी फाइन पीसीस ऑफ रॉक्स सी जो क्ले है उसमें क्या होता है वेरी फाइन पीसीस ऑफ रॉक अरे बहुत अच्छे फाइन पीसीस है ना इन ऑफ रॉक्स रॉक्स के अच्छे से पीसीस होते हैं उसमें फिर है सैंड इज द

सेंड uh, में होते हैं उससे भी थोड़े बड़े होते हैं पर दे आर सो स्मूद राइट एंड स्मॉल नाउ सी यहाँ पे ये यह सारे हुए सारे दिए गए हुए हैं तो फर्स्ट यू कैन सी टीनी क्ले पार्टिकल्स तो क्ले पार्टिकल्स तो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं है ना फिर उससे थोड़े बड़े क्या होते हैं सैंड पार्टिकल्स तो सी यहाँ दिस इज़ बिग पार्टिकल्स ऑफ रॉक Comparison to clay, right? Now third one is pebbles. So pebbles, as you can see, um, bigger than the clay and sand particles, right? So this is the uh, comparative size of pebbles, clay, and sand particles. And this is humus. So what is humus? This is um, khad, right? So keep it in your mind that what soil contains soil contains humus sand clay and pebbles right now see let's remember first one is circle the odd one out in each of the following we have to circle odd one out right first one is soil water nutrients and humus so एज यू कैन सी दिस वन इज़ रॉन्ग वन सो डोंट सर्कल इट रेड जो मैंने करा है दिस इज़ द राइट वन ओके तो सोयल वॉटर सोयल में क्या होता है वॉटर एंड यूमियस डालेंगे फिर न्यूट्रिशन न्यूट्रंस आएँगे राइट तो सॉयल में वॉटर और यूमियस होते हैं न्यूट्रिश न्यूट्रेंस किस में होते हैं यूमेंस में तो न्यूट्रंस इज़ अ ऑडवन सो सर्कल इट Second one is sand clay nutrients and pebbles. So sand clay and pebbles these are the contains of soil but nutrients is not it is different these are the part these are the contain of the soil. So circle nutrients here third one heat, rain, wind and soil. So, soil is a odd one Circle it because heat rain and wind help uh, the um, stone to breaking right now see the exercise to write 2 for the true and f for the false statement right so first one is soil is formed by the breakdown of rocks राइट तो सोइल जो है वो फॉर्म्ड कैसे होता है ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स वो रॉक्स के ब्रेक डाउन से फॉर्म होता है सो यस दिस इज राइट सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू वी हैव टू राइट डाउन टी फॉर दिस स्टेटमेंट सेकेंड वन इज सॉइल इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स नो दिस इज सो रॉन्ग सॉइल इज अम्पोर्टेंट for the growth of the plants because soil contains humus right and humus means out there remains small part of dead pa plants and animals which is um, provide nutrients for the plants right so this statement is false write down f here and see the third one it takes a few years